आप लोग को लगता है कि ऑपोजिशन के नैरेटिव में कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरीके के नैरेटिव में फंस रही है? अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इन नैरेटिव ऑपोजिशन इन नैरेटिव को उठा रहा है, तो आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ रहा है, ये भी तो एक कहीं ना कहीं जवाब नहीं पड़ रहा है। जवाब नहीं, हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर जिस मेहनत के साथ लोग उनके अपने संपत्ति रख रहे हैं, मेहनत के साथ उनके पैसा कमा रहे हैं, परिवार के लिए कुछ छोड़कर जाएं, इसलिए कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, इसके ऊपर आप हाथ लगाने के लिए और उसको निकाल करके किसी और को देने के लिए बात करते हो, कैसे हम चुप रहे? ये ऑलमोस्ट कोर एजेंडा के स्तर पर रख रहे हैं कांग्रेस उसका। सो हम फंस नहीं रहे हैं, मगर जनता को उसके ऊपर रोशनी डाल करके दिखा रहे हैं, भैया इनके मकसद यही है, इसके ऊपर ये कुछ करेंगे, आप संभाल कर वोट करो, सोच कर वोट करो, ये तो बोलना आवश्यक है। अच्छा ये बताइए कि एक नया वर्ग जो है ना वोटर्स का तैयार हुआ है, वो उसे लाभार्थी कह रहे हैं वोटर्स, और उसमें आप लोगों की सरकार का एक जो विमेन को अनाज पहुंचाना या जो जो मुफ्त की चीजों का एक वर्ग तैयार हुआ है, ये दिल्ली में देखा गया मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी या अनाज मुफ्त, तो ये जो है ये स्टेट पर कंट्री के पर बहुत बड़ा एक बोझ है। क्या कोई भी पार्टी इस चीज को कभी खत्म कर पाएगी? कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट इस चीज को खत्म कर पाएगी जो मुफ्त या फ्री की जो बात होने लगी? फ्री बीस को खत्म करना सबका जिम्मेदारी, और इसमें आपने जो दो तीन उदाहरण आपने सामने ले आए वो सब कंपेरेबल नहीं है। वैसे अनाज मुफ्त देना, जब लाभार्थी पीडीएस कार्ड होल्डर एक रुपया दे करके किलो गेहूं ले रहा या दो रुपया तीन रुपया दे करके चावल ले रहा, उसको हमने वो एक रुपया भी नहीं देना और दो रुपया भी नहीं देना, चावल और गेहूं हम देंगे, ये मुफ्त देंगे, इसीलिए क्योंकि वो वन रुपये कलेक्ट करो, दो रुपये कलेक्ट करो, फिर स्टेट गवर्नमेंट को लॉजिस्टिक्स का गोडाउन से ले आने के लिए ट्रक का खर्च दो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, और उससे बेहतर यही है कि हम ही टोटली लाभार्थी के लिए पहुंचाएं उसको, वो अलग विषय है, क्योंकि राइट टू फूड के नाते वैसे ही उन सबको ग्रेन्स जाता था। मगर असल में जो दिल्ली का आपने फ्री बोल रहे हैं उसमें भी फर्क है, क्योंकि जो सूर्योदय का स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्योदय स्कीम हम ले आ रहे हैं, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, रूफ टॉप में आप सोलार लगवाओ, उसके लिए बैंक के द्वारा और सरकार के सब्सिडी के द्वारा कैपिटल हम देंगे और आप भी उसमें शामिल हो जाओ, और जो रूफ टॉप लगाओगे उससे आपके घर का खर्च ले लो मुफ्त से, और बाकी सब बिक करके यू अर्न योर पैसा आउट ऑफ इट, यू विल बी ए एनर्जी प्रोड्यूसर, ऊर्जा दाता भी हो जाए वो, ये अलग विषय है। और दिल्ली में जो फ्री बिजली का मामला बोलते हैं वो अलग है, दिल्ली में या कहीं और भी, सो फ्री बी का विषय अलग है। और जो मेजर्स आपने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो ले रही हो, बजटरी प्रोविजन के साथ ले रही हो, वो अलग है, मगर फ्री बेस का चर्चा जरूर इस देश में होना चाहिए। आपको लगता है कि एक आने वाले समय में एक जैसे बहुत ही विशाल काय और विकराल रूप ले लेगा फ्री बी का जो विषय है? इसके ऊपर चर्चा जरूर होना चाहिए। क्या इस सरकार में आने के बाद 2024 में आप लोग इस बात को, इस मुद्दे को उठाएंगे कि फ्री बी का जो कल्चर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए? हम उठाना ऐसे नहीं, हम चर्चा तो करना चाहते हैं इसके ऊपर, सब पार्टियां सब स्टेट्स इसके ऊपर ध्यान से बात करना चाहिए, और हम निर्णय लेने से पहले हम सब इसके ऊपर चर्चा करना ही आवश्यक। मैं अभी एक ऑपोजिशन के लीडर है तेजस्वी यादव, उनसे बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि ये जो दे रहे हैं अनाज मुफ्त का, ऐसा क्या है, हम भी पहले अनाज देते थे, राइट टू फूड कौन लेके आई, यूपीए की गवर्नमेंट लेके आई, हम भी पहले अनाज देते थे, उन्होंने तो जिसे बोलते हैं कि एक थैले पर मोदी जी ने अपना फोटो चिपका दिया और देने लगे और कह रहे हैं कि हम लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो लोगों को उनका कहने का मतलब था कि लोगों को भटका रहे हैं। जरूर नहीं, मैं उदाहरण ले रही हूं,
डीबीटी का, ये आपने रेशन का विषय बोले उसका भी मैं बोलती हूं, जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं और जो पेंशन हो या कुछ और वेजेस हो, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जब एक व्यक्ति का आइडेंटिटी प्रूफ होने के बाद, आधार निर्णय करने के बाद, ड्यूप्लीकेशन हटाने के बाद, ड्यूप्लीकेशन मतलब एक ही आधार के ऊपर दो अकाउंट रखें, एक ही बंदा दो अकाउंट रखें, दोनों में पैसा जाए, ये सब इसके जैसे बहुत सारे मिसयूज सब हम हटाने के बाद, आज हम जो दे रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ फ्री मुफ्त राशन, कम से कम 2.30 लाख करोड़ का बचत हुई। हम भी दे रहे हैं कहने वाले पहले लीकेजेस को कम किया नहीं। गांव में ऐसे व्यक्ति है कि नहीं है परवाह नहीं, मगर जाते रहा पैसा, क्योंकि उसमें उनका कुछ बेनिफिट है, उनके कार्यकर्ता या कोई गलत आदमी को उसमें जोड़ दिया, इसीलिए मुफ्त वो भी दे रहे हैं हम भी दे रहे हैं में बहुत अंतर है। वो सब विषय निकाल करके, गलत अकाउंट को निकाल करके हम डायरेक्टली जिनको जाना है उन तक पहुंचा रहे हैं। नहीं तो क्यों राजीव गांधी जी वो बात बोले कि एक रुपया अगर हम भेजना चाहते हैं 15 पैसा ही जाता है, उसका जवाब क्या देंगे? हम ही बोलने वाले, तेजस्वी यादव हो कोई और हो उनसे पूछ लेना कि फिर एक रुपया पूरे के पूरे क्यों नहीं गया। मनरेगा में भी कितना लीकेजेस, वो लीकेजेस उनको अनुकूल था इसीलिए छोड़ दिया उसको।